एक मिनट, सांडा उत्तर भारत में कहा जाता है बैल को, जो खेती के काम नहीं आता है, जो सिर्फ गाय से बच्चे पैदा करने के काम आता है, उसे सांडा कहा जाता है। और सांडा एक जानवर को भी कहा जाता है। देह अभिमानी लोग होते हैं वो अपने देहवान की पूर्ति के लिए उसका सांडे नामक जानवर को दवाई के काम में लाते हैं। सांडा अर्थात बहुत देह अभिमानी, शंकर के मंदिर में या शिव के मंदिर में, शिव है अति का आत्माभिमानी, बिंदु रूप में नहीं, शरीर में प्रवेश होने के बावजूद भी अति का आत्माभिमानी, वो भी सत्ता रखता है ना, और साथ में दिया हुआ है सांडा अति का देह अभिमान। और बाबा ने कहा कि सामने ग्रामीण चोरी खेलते हैं लोगों, बाबा ने कहा तो जो भी जो आ रहे होते हैं जो बिंदु है ब्रह्मा बाबा को जो सहनशीलता दिखाई गई है वो सहनशीलता 63 जन्मों में भी थी, और उस सहनशीलता के आधार पर उन्होंने साधना का काम 63 जन्मों में भी किया, या सिर्फ इस वर्तमान संगम युग में जब शिव प्रवेश होते हैं तब लक्षित होता है। तो वो सहनशीलता का गुण शिव का हुआ या देहधारी का हुआ, शिव बाबा का है। राम वाली आत्मा, कृष्ण वाली आत्मा, इनकी एक पैसे की भी वैल्यू नहीं। शिव जयंती धीरे तुल्य जयंती कही जाती, राम जयंती कृष्ण जयंती मनाते तो है, क्योंकि ये आत्माएं भी संपन्न तो बनती है, परंतु संपन्न बनाने वाला कौन? अगर वो ना आया होता तो बड़ी तू, अरे वो आया तो भी तो बाहर का दिखाई देना चाहिए ना, वो संस्कार जो है राज्य को मिलते हैं छोटे से संस्कार तो बाहर में था प्रत्यक्ष में प्रत्यक्ष होना चाहिए ना। एक क्रोध होता है बाहर से दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन अंदर से खड़ा हुआ होता है, एक सोचने की बात है। ये अंतिम जन्म है ब्राह्मणों का, ब्राह्मणों की दुनिया में ब्रह्मा बाबा ने
ब्राह्मणों के बीच में अति का सहन किया, इतना इतना सहन किया कि ब्राह्मण बच्चों ने उनका हाथ फेल कर दिया और उन्होंने बच्चों से उठ नहीं की। एक बच्चा नहीं, ढेर के ढेर ऐसे बच्चे थे जो बाबा को जीवन में लगातार सुख देते रहे। और ब्रह्मा बाबा सहन करते रहे, ये लास्ट जीवन है ब्रह्मों का। तो जिन बच्चों ने ब्रह्मा जैसी श्रेष्ठ आत्मा के साथ इतना पाप का घोर जघन्य अपराध किया, उनका हिसाब किताब इस जन्म में पूरा नहीं होगा क्या? होगा या नहीं होगा? होगा। वो ब्रह्मा का चोला वो तो उसके सहन करने के निमित्त बना, लेकिन चोला सहन करता है या आत्मा सहन करती है? आत्मा ने सहन किया। वही आत्मा शरीर छोड़ने के बाद फिर उन बच्चों से एक एक पाई पाई पैसे पैसे का हिसाब किताब लेगी धर्मराज के रूप में। तो वो भूत का भूत रहा या प्रत्यक्ष हुआ है? जो भी बच्चे घायल किया है, मंगा घायल किया है, उनका तो कपूर दे रहे ना अभी। सूक्ष्म शरीर देहभान का सूचक है या आत्माभिमान का सूचक है? बाबा काहे का सूचक है? देहभान का सूचक। ये फूल देह उतना पाप नहीं कर सकती है क्योंकि बंधन में बंधी हुई है, और सूक्ष्म शरीर तो निर्बंधन होता है, ये ज्यादा शक्तिशाली होता है। सूक्ष्म शरीर धारी ब्राह्मण को कहा जाता है ब्रह्म राक्षस। एक एक की सौ सौ गिनाने वाला है, परंतु जो देह अभिमानी है वो सिर्फ देह को देखते हैं, देह की चाल को पहचान पाते हैं, और जो आत्माभिमानी आत्मा है वो आत्मा को पहचानती है। वो आत्मा तो अभी भी है या नहीं है? अभी भी है, दो रूपों में कार्य करती है। एक सूक्ष्म शरीर से कार्य करती है और एक वो रूप है जो बीज रूप स्टेज में कार्य करता है। राम बाप में प्रवेश करके बीज रूप स्टेज में आ जाता है, और गुलजार दादी अंतिम नारायणी में प्रवेश करके देह अभिमान में आ जाता है, क्योंकि पूर्व जन्म का हिसाब किताब है। ब्रह्मा बाबा उस बच्ची को बार बार बुलाते रहते थे अपने पास में और वो भाग जाती थी। सारा जीवन ये चक्र चलता रहा। गुलजार दादी ब्रह्मा के नजदीक नहीं आई और उनका लगाव बढ़ता ही चला गया। आखिर उसका अंजाम शरीर छोड़ने के बाद क्या होता है? वो किस शरीर को निमित्त बनाते कार्य करने के लिए, क्योंकि अटैचमेंट लगा हुआ है देह का।
तो शरीर में प्रवेश करने से जो पार्ट चलता है वो अलग पार्ट, और राम वाली आत्मा में प्रवेश करके जो पार्ट चलता है वो अलग पार्ट। और बाबा राम विनाश जन्म स्मरण अलग चलता लेने का लेने वाला जैसा मालूम होता है देखने के लिए चौरासी जन्म लिए करके कैसे पता पड़ता है हमको बता तो दिया। जो चौरासी जन्म लेने वाला होता है वो देवता होता है पक्का, जो कम जन्म लेने वाला होता है वो पक्का देवता नहीं होता, कच्चा देवता होता है। कच्चा देवता माने कच्चा ब्राह्मण, जो यहाँ कच्चा ब्राह्मण बनता है वो द्वापर युग से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुआ, यहाँ भी देखने में आवेगा। आज पक्का ब्राह्मण अपने को कहता है मैं बाप का पक्का बच्चा हूँ, ब्रह्मा की औलाद हूँ। कल कहता है कि हम तो मोबाइल से आ गए थे बाप, आप कुछ नहीं दिया जन्म। वो चौरासी जन्म लेने वाला हुआ या कन्वर्ट होने वाला हुआ पहचाना नहीं पहचाना पहचाना। यहाँ शूटिंग पीरियड में हर आत्मा की क्वालिटी पहचानी जा सकती है। कौन किस धर्म में कन्वर्ट होने वाला है बाबा ने भी पहचान की है, जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा, भगवान की भी बात नहीं मानेगा, ब्रह्मा की भी बात नहीं मानेगा। संकल्प कृष्ण जो संकल्प चलते है संकल्प रहता है उसके बारे में क्या तो अभी सदा जब ब्राह्मणों की भी संगठन चल रही है और बिंदु ब्राह्मणों को भी संगठन चल रही है बाबा, लेकिन सभी सारी दुनिया के ऊपर रावण राज्य का बिंदु ब्राह्मणों का हालत है। लेखक जन्म हम परिवार में रहते रहे, मनुष्य एक सामाजिक पारिवारिक प्राणी है ना, लेखक जन्म हम परिवार में रहे, समाज के संगठन के बीच में रहे, अभी हम ब्राह्मण बने हैं, ब्रह्मा की औलाद बने हैं। हम अपने अंदर झांक करके देखें कि हम बाप और बाप के रूहानी परिवार के साथ रहने की हमारी दिल है या जो है ही नहीं बाप के उनके साथ हमारी अटैचमेंट लगी हुई है। हम प्रैक्टिकल में किसके साथ रहे पड़े हैं, कहां लौकिक परिवार, ये लोक की देह है, इस दुनिया की ये देह है, ये लौकिक है, इसके संबंध हम निभाना जानते हैं, लेकिन आत्मा पारलौकिक है और पारलौकिक बाप के जो पहलौकी के बच्चे हैं 8 और 108 हम उस परिवार के साथ कितना निभाते हैं। अरे निभाना तो दूर, हम उनको पहचानते हैं जानते हैं, अरे परिवार में एक दूसरे को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जानते
तो अपने दिल से पूछे कि हमारे अंदर ये संकल्प चलता है, ये विचार चलता है कि अगर हम आठ के परिवार में से हैं, तो वो आठ भांति कौन कौन है हमारे। अगर हम 108 के परिवार के हैं, तो वो 108 भांति हमारे परिवार के कौन कौन है, उनके संबंध में बुद्धि नहीं चली चाहिए। हम ब्राह्मण परिवार के और बुद्धि चलती है बाहर वालों के पास। ये भी जानते हैं कि ये बाहर वाले हैं, इनके पास हमारी पट्टी भी नहीं है। आज नहीं तो कल ये छूट जाने वाले हैं। फिर भी सहज सहज हम उनको नहीं जा सकते, तो क्या कहें, रावण के परिवार में बंधे हुए हैं या राम के परिवार में बने हुए। बाबा व्यंकन बाबू अंतर आप एवरेंज से चले पूजे जरूरतने का बारे में तिरुपति के बालाजी है ना, उनके पर संत पूजा होती है, तो वो सावन में पता नहीं चल रहे तो मुझे आप उनका बाहर जरूरतने का उनका पूजा चल रही है ना अभी, इतनी बहुत पूजा मनाते हैं ना, कौन है पता नहीं चल रहा है। तिरुपति के सारा दुनिया कौन है, सारा दुनिया का धन उनके पास है। तिरुपति के वेंकटेश्वर स्वामी जिन्हें बालाजी कहा जाता है, वो कौन है माता को अभी तक पता ही नहीं। वेंकट कहा जाता है विकट, विकट माने भयंकर, विकराल। स्वामी वेंकटेश्वर स्वामी विकराल ईश्वर, बाबा बुद्धि में कहते ऊंच से ऊंच भगवान। तो नंबर वार नीच से नीच भगवान भी तो होंगे, कोई ऊंचे भगवान कोई नीचे भगवान, ऐसे ही ईश्वर वेंकटेश्वर विकराल ईश्वर, बड़े से बड़ा ईश्वर। अब बड़े से बड़ा ईश्वर होगा तो दुनिया में उसकी बड़े से बड़ी पूजा होगी कि नहीं होगी, बड़े से बड़ा मंदिर भी होगा या नहीं होगा, और बड़े से बड़ा चढ़ावना चढ़ाया जाता होगा या नहीं चढ़ाया जाता होगा, चढ़ाया जाता होगा। अरे वो तो विश्व का मालिक है, सारी दुनिया के 500-700 करोड़ उसके प्रति अपना सब कुछ अर्पण कर देने वाले हैं। सारे विश्व की बात का ही उसको सुनने वाली है, तो इतना चढ़ावा चढ़ता है तो कोई बड़ी बात हो रही है, अभी तो कुछ भी चढ़ावा नहीं करता वा। वो तो भक्ति मार्ग का है, असली नहीं है। और जब असली प्रत्यक्ष होगा तो कितना चढ़ावा चढ़ेगा तो माता को भी पता ही है। सामने बैठा है, इधर है सामने आ रहा है में, है? जो है में, के में बाबा ने कहा कि बाप तो जन्म लेकर पुरुष बनेगा,
बाद वो जन्म लेकर प्रिंस बनेगा, तुम तो नर से नारायण बनेंगे। बाप किस तरह विचार किया बाबा जन्म लेके बनेंगे बाप तो बोलिए ना। बाप जो जन्म लेकर बाप को जन्म लेकर प्रिंस बनेगा, प्रिंस बनेगा, तुम तो डायरेक्ट नर से नारायण बनेंगे। और तुम तो डायरेक्ट नर से नारायण, डायरेक्ट नर से नारायण बनोगे। जिसको तुम बोला है, जिसको तुम बोला है वो कौन है? मैंने इमेजिन किया है राम बाप वाली आत्मा को। और जो राम बाप वाली आत्मा इमेजिन की है वो राम बाप वाली आत्मा भी कोई ब्राह्मण है या नहीं है? ब्राह्मण है। अगर ब्राह्मण है तो उसका कोई ब्रह्मा बाप है या नहीं है? या नहीं है तो बस आप बाप हो गया मानी। जब उसका बाप है उसी बाप के लिए बोला गया। धर्म में ही शक्ति है लेकिन जो ये नास्तिक जो धर्म निरपेक्ष का वो चाहते है वो किस भाव से वो ये धर्म निरपेक्ष भाव चाहते? जो नास्तिक होते हैं वो ही धर्म निरपेक्ष चाहते हैं। हमें किसी धर्म की अपेक्षा नहीं है। क्यों? नास्तिकवाद की शुरुआत होती है आदि समाधि होती है और आर्य समाज धर्म वाले ऐसी आत्माएं हैं कमजोर जो सचिव में आत्मा नारायण के फॉलोअर बनते हैं। वो आत्मा नारायण के फॉलोअर कच्चे से कच्चे ब्राह्मण परिवार के हैं। वो कच्ची कन्वर्ट होने वाली आत्माएं जैसे ही द्वापर शुरू होता है कच्ची होने के कारण इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाती है। देवता धर्म के ऊपर से उनकी आस्था ऊपर जाती है। बाद में क्राइस्ट आता है, बुद्ध आता है तो उन धर्मों में भी कन्वर्ट हो जाती है। माना इतनी कच्ची कमजोर आत्माएं हैं कि कोई भी धर्म के ऊपर उनकी आस्था टिकती नहीं है। चाहे बौद्ध धर्म आए, चाहे क्रिश्चियन धर्म आए, चाहे संन्यास धर्म आए, चाहे मुस्लिम धर्म आए, जो जो धर्म पिताएं आते गए उनके उनके धर्मों में कन्वर्ट हो गए, अपने पिछले धर्म को छोड़ते गए, उस धर्म के ऊपर से उनकी आस्था उखड़ती गई। तो जिनके जन्म जन्मांतर के संस्कार है कोई भी धर्म पर आस्था उनकी टिकती नहीं है, अनास्थावान है। तो उनमें नास्तिकता सहज आ जाएगी या नहीं आएगी? सहज ही उनके अंदर नास्तिकता आ जाती है। वो कोई भी धर्म के ऊपर उनको आस्था नहीं रहती। इसलिए उनका नारा है धर्म निरपेक्ष का राज्य। हम ऐसे राज्य की स्थापना करेंगे जिसमें हमें किसी धर्म की अपेक्षा नहीं है, किसी धर्म के ऊपर हमको आस्था नहीं है। माने उनका नास्तिक धर्म है। वो कहते तो है मुख से कि हम भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान को निराकार मान लेते हैं, साकार नहीं मानते, माने देवताओं को मानते ही नहीं, जबकि भगवान सिर्फ देव आत्मा में प्रत्यक्ष होता है। चाहे वो राम वाली आत्मा हो और चाहे वो
कृष्ण वाली याद हो, वो देवताओं को मानते हैं। देवताओं को न मानना, साकार स्वरूप को न मानना, अर्थात निराकार को भी नहीं मानना, नास्तिक है। उन्हें किसी धर्म के ऊपर अपेक्षा नहीं है, वो सिर्फ अपन ही चलाएंगे, किसी की बात मानने वाले नहीं। उनके धर्म में कोई ताकत नहीं। आज जो राज्य चल रहा है खासकर हिंदुस्तान में, वो धर्म निरपेक्ष राज्य चल रहा है। आर्य समाजियों का राज्य चल रहा है, उन अर्धनास्तिकों का राज्य चल रहा है, जिन्हें किसी धर्म की अपेक्षा नहीं है। तुम कोई भी धर्म को मानो, हमें कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ वोट देते रहो। तुमको संख्या चाहिए, क्वालिटी नहीं चाहिए। लेकिन जो धर्मनिरपेक्ष वो चाहते हैं, उनको वो धर्म की क्या, उनके विषय में क्या कहते हैं, उनका उन लोगों का धर्म क्या, वो क्या था धर्म से, उनका कहते हैं क्या कहता है। अहंकार, हम ही सब कुछ है, जो हम करेंगे तो होगा। हम दिल्ली को स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो हम स्वर्ग बनाएंगे, दुनिया में कोई अस्थि नहीं है जो भारत को स्वर्ग बना दे, हम भारत को स्वर्ग बनाएंगे। दिल की यहाँ से ही आते हैं। हाँ जी, बाबा जगन्नाथ चाहिए, అతనికే చేతులు కనిపించారు జగన్నాథ్, జగన్నాథ్ అతను ఎవరో మాట రోజు క్లాస్ దాకే మురళి సుంచి బాత బార బార క్లాస్ జగన్నాథ్ కో आप क्यों नहीं दिखाए जाते? आप या भुजा सहयोगी की निशानी है। सहयोगी उसी का बनेगा जो बहुत ऊपर ऊपर से प्यार दिखाने वाला हो। आज की दुनिया की ये रीति है कि सहयोगी उसी के बनते हैं जो ऊपर ऊपर से बहुत प्यार दिखाते, बड़े प्यारे लगते हैं, मुख से कुछ भी न कहे, कभी भी कोई विरोध न करे, सिर्फ प्यार ही प्यार बरसाता रहे। व्यक्ति से भी, व्यक्ति मात्र भी कभी लाल आंख न करे, उसके बहुत सहयोगी बन जाए। इसलिए ब्रह्मा को कितनी भुजाएं दिखाते हैं, हजार भुजाएं दिखाती है। तो ब्रह्मा का जो लौकिक जीवन है, वो लौकिक जीवन में भी व्यवहार उनका इतना लचीला है कि हिंदुस्तान के बड़े से बड़े, सबसे बड़े हीरो के व्यापारी बन गए। नहीं तो आज की कहीं भी दुनिया में सच्चाई पूर्वक चल करके कोई भी करोड़पति नहीं बन पाता।
बाहर से दिखावा कुछ और अंदर का कुछ और। ब्रह्मा बाबा का भागीदार भी था, वो ब्रह्मा बाबा से हीरो की तरफ में ज्यादा होशियार था। इसका प्रूफ है कि ब्रह्मा बाबा ने उसको अपनी दुकान सारी ही सौंप दी। उसकी होशियारी को देखकर के, क्योंकि उनका बहनोई था, इसलिए दुकान का सारा कारोबार उनको सौंप दिया। ब्रह्मा बाबा जानते थे ये मेरे से भी हीरो की परख में ज्यादा होशियार, ये भी जानते थे कि इसकी दुकान नहीं चलती। झूठे हीरो के बाजार में छोटी सी सच्चे हीरो की दुकान रख करके बैठने वाला वो भागीदार, उसकी दुकान चलती ही नहीं। और ब्रह्मा बाबा पलटाई धंधा कर रहे, तो साबित हो जाता है कि अंदर से एक और बाहर से जो दो है दूसरा है। तो ब्राह्मण परिवार के लिए बहुत खौफनाक खतरनाक होता है, और जो अंदर से एक और बाहर से भी एक ही है वो तो ब्राह्मण परिवार के लिए सदैव सुखदायी होता है। परंतु दुनिया ऐसी है जो झूठों का ही साथ देती है, जो अंदर से एक और बाहर से दूसरे नजर आते हैं उनका ही साथ देती है। इसलिए एक का पद बनता है श्रीनाथ और एक का पद बनता है जगन्नाथ, सारे जगत को पालने वाला, और एक है कुछ श्रेष्ठ श्रेष्ठ बड़े बड़े लोगों के परिवार को पालने वाला। यज्ञ के आज में जो ब्राह्मणों का संगठन इकट्ठा हुआ था वो बड़े बड़े परिवार के लोग इकट्ठे हुए थे या ज्यादा मेजोरिटी गरीबों की थी? बड़े बड़े सब बड़े बड़े परिवार के घराने की इकट्ठे हो गए। वो था श्रीनाथ का पर्व, और यज्ञ के आज से ही लेकर के ब्राह्मणों की भारी मेजोरिटी 90% ब्राह्मणों ने दादा लेखराज की पालना को स्वीकार किया। सूर्यवंश की आत्मा ऐसी थी, राम जैसी आत्माएं थी जो साथ ही नहीं बन सके। सहयोगी नहीं बने और 90% राम वाली आत्मा का सहयोग दिया, क्योंकि अंदर से और बाहर से एक था। कलयुग के अंत में जितनी भी मनुष्य आत्माएं होती है वो तप कड़वी होती है, तमो प्रधान होती है या प्रसव प्रधान होती है? सब आत्माएं 10% तमो प्रधान होती है। कोई आत्मा दिखावा नहीं करती है, बाहर से देखने में भी सबको पता चलता भाग हुआ है और अंदर से भी कड़ुआ होता है। दुनिया में कहावत भी है, खरी बात करने वाला किसी को पसंद नहीं आता, मीठी मीठी बातें करने वाले लोग पसंद किए जाते हैं। तो राम वाली आत्मा
ब्राह्मणों के पुरुषोत्तम चंद्र निर्वी जीवन में मुरली के अनुसार भी खादी के राजा रानी साबित होते हैं। जैसे खादी का कपड़ा होता है ऐसे ब्राह्मण की आत्मा भी ऐसा शरीर रूपी वस्त्र धारण करने वाला कपड़ा है, ऐसा व्यक्तित्व है जो सतयुग त्रेता की सर्दियों में गर्मी देने वाला है, सुख देने वाला है और द्वापर कलयुग की गर्मियों में ठंडक देने वाला है। सिर्फ बरसात का मौसम ऐसा होता है जो खादी का कपड़ा बहुत भारी हो जाता है, चिपक चिपक कर जाता है, मिट्टी पकड़ता है। ये ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया का पुरुषोत्तम संगमी को बरसात का मौसम है, जहाँ ये खादी के राजा रानी सबको भारी पड़ जाते हैं। सौ परसेंट सच्ची आत्मा होने के बावजूद भी इतने ब्राह्मण बच्चे निकलते हैं हजारों लाखों की तादाद में, कोई भी 100% निश्चय बुद्धि नहीं बन पाता। आज निश्चय करते हैं पाठ के ऊपर, कल निश्चय बुद्धि हो जाती है। ये ऐसा बंडरपुर पाठ है, सदाकाल का कोई भी सहयोगी नहीं बनता। इसलिए शंकर को भुजाएं नहीं दिखाई जाती, ब्रह्मा को हजारों हजार भुजाएं दिखाई जाती। दो भुजाएं वो भी कट जाती, विजय माला की है और रुद्रमाला की है, वो भी अंतिम घड़ी में वो भी कट जाती, वो भी सहयोगी नहीं बनती। समझ में आया क्यों भुजाएं कट जाती है और ब्रह्मा बाबा की भुजाएं क्यों सर पर दे रहती है? झूठ की दुनिया में सत्य कठोर होता है, ये दुनिया ही झूठों की है, तो दुनिया का नाम ही है झूठ खंड। झूठ खंड में सब झूठे हैं और झूठे लोग झूठ को ही पसंद करते हैं, सत्य को न पहचानते हैं और न पसंद करते। पहचान ले तो पसंद करे। जन्मजात भूत है, जन्मजात भूत, जन्मजात भूत का मतलब ये है कि द्वापर युग से जो भी आत्माएं आती है, इस्लाम धर्म की पहली आत्मा आई तो वो आने मात्र से ही विचार चलाएगी या अविचारी कर्म करेगी। क्या करती है? इसकी मात्र से ही विचारी बनाना शुरू कर देती। जन्म हुआ, प्रवेश किया और प्रवेश करने मात्र से ही विचारी दृष्टि दृष्टि फैलाना शुरू कर देती। तो जन्म जात उसके अंदर विचार के संस्कार हैं, काम विकार के संस्कार भरे हुए हैं। वो जितने प्रवेश करती है उसमें जन्मजात संस्कार नहीं है, वो पहले देवता थी, भले संपूर्ण देवता नहीं थी फिर भी देवता। उसको भी जन्म देने वाला जो बाप है, बाबा ग्रैंडफादर, वो जन्मजात नहीं है।
बाबा का भी जो बाबा है पर बाबा वो तो बिल्कुल ही नहीं जग जाते है, वो तो आदि में भी आत्मा और अंत में भी आत्मा। जिस आत्मा में, जिसे एकमात्र आत्मा में परम पिता परमात्मा प्रवेश करता है उसको जन्म जाति विकारी नहीं कहेंगे। आज ने भी विष्णु था, नो भी शैतान, और जब परमात्मा से उसमें प्रवेश करते हैं अंतिम जन्म में तब भी विष्णु का रूप होता है। दोनों पति पत्नी आपस में एक मिलकर के रहते हैं। इसलिए जन्मजात भिखारी नहीं कहेंगे। हाँ, आखिरी जन्म में तो तब को नीति होगा, माया किसी को छोड़ती नहीं है। इसलिए ये ब्राह्मणों के अंतिम जन्म में आकर के राम कृष्ण की आत्माएं 16,000 का जो परिवार बनता है राज परिवार, तो परिवार में आकर के अति की भिखारी और अति की निर्भिखारी साबित हो जाती है। कृष्ण काला और कृष्ण गोरा, ग्वालियर का चिरंजीवी लाल वहाँ चिरंजीवी लाल तो ब्रह्मा को बाबा ने ग्वालियर का बेहद ग्वालियर का चिरंजीवी लाल ग्वाल बाल कहते हैं क्या ग्वाल बाल ग्वाला ग्वाले जो दूध बेचने वाले होते हैं उनको ग्वाला कहा जाता है। और जिस परिवार में दूध बेचने वाली कन्याएं माताएं होती हैं उनको ग्वालिन कहा जाता है। शब्द से बना है ग्वालियर, ये हमारे वर्ष साल कैसा साल ग्वाल बाल होता वर्ष, दूध बेचने वालों का वर्ष ग्वालियर। अब ज्ञान का दूध तो संगम युग में है और जो दूध को जीव का क्यों प्योर रूप में धारण करने वाली आत्मा कौन सी है? परम पिता केवल प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद जो पवित्र ज्ञान का दूध निकलता है उस दूध को पहले पहले सुनने वाला कौन है? कान में धारण करने वाला कौन है? परमात्मा शिव ने आकर के जो ज्ञान सुनाया, ज्ञान दुग्ध दिया, उस ज्ञान दुग्ध को पहले पहले कौन सी आत्मा दान करती है? जिसमें प्रवेश कौन बोल रहा नहीं प्रवेश करके इनकी आत्मा पहले जुड़ती है, तुम्हारी आत्मा नहीं सुनती है, इनकी आत्मा पहले सुनती है। किनकी? ब्रह्मा। ब्रह्मा
वो पवित्र दूध है, पीने वाला कौन हुआ? ग्वाला। वो पहला पहला ग्वालियर है। बाप ने गंगा को देखो चढ़ाया और लक्ष्मी को भाव बनाने की अवतार है, लक्ष्मी को भाव बनाने की शक्ति जो राष्ट्र में इंप्लीमेंट करती है उसको बांटने वाली, ज्ञान को बांटने का कार्य लक्ष्मी को दिया और धाम करने में मदद करती है। और ज्ञान जो बांटा है वो लक्ष्मी ने बांटा है। किसको बांटा है? देवताओं को बांटा है या असुरों को बांटा है? देवताओं को बांटा है। लेकिन भगवान आकर के जो ज्ञान सुनाता है, ज्ञान देता है, तो भगवान की मेंटलिटी सिर्फ देवताओं को देने की है या पक्षपाती है? सबको गंगा देती है या लक्ष्मी देती है? गंगा सबको देती है। उसमें जो केमोवान कहने वाले सन्यासी भी आ जाते हैं, जो गंगा के किनारे बैठे हुए देखे जाते हैं। जैसे शंकर सबको देता है, ये नहीं देखता कि ये असुर है या देवता है। विष्णु ऐसे नहीं है, वो असुरों को नहीं देता है। किसको देता है? देवताओं को ही देता है। ये अंतर है। बाप के पास में और ब्रह्मा तो विष्णु के पास में, इसलिए गंगा को ये गंगा को सर के ऊपर चढ़ाया हुआ। जो अपकारी है उनको भी देना, अपकारियों का भी उपकार करना, ये है फादर फादर। अपकारियों के ऊपर उपकार नहीं करना। जो हमारा उपकार करने वाले हैं, हमारा गायन करने वाले हैं, हमारी महिमा करने वाले हैं, उनको ही सिर्फ देना है, दूसरों को नहीं देना है। यह अच्छी मेंटेलिटी है या खराब मेंटेलिटी है? ये भगवान का कार्य है या मनुष्यात्मा का कार्य है? मनुष्य आत्माओं में और भगवान में ये विशेष अंतर है। भगवान सबका है और जो मनुष्य आत्माएं हैं या जो आसुरी आत्माएं हैं या जो देव आत्माएं हैं, वो सिर्फ अपने हमजिंस का करती है, स्वार्थ के लिए करती है। भगवान स्वार्थी नहीं है, भगवान सदैव परमार्थी है। और भगवान को फॉलो करने वालों में गंगा भी एक ऐसी है जो पतितों को पावन बनाने के लिए सन्नद्ध है, पतितों को अपने नजदीक किनारे पर बैठने देती है, अपनी गोद में लेती है। लक्ष्मी असुरों को गोद में नहीं ले सकती। गंगा जानती है कि असुरों का संग करने से मेरा हाल क्या होगा, आखिरी क्या होता है गंगा का हाल? करीब राम तेरी गंगा मेरी, ये जानते हुए भी वो अपना कार्य करती है, बाप को फॉलो करती है। लक्ष्मी ऐसा नहीं करती।
ब्रह्मा की आयु मृत्यु लोक में 100 साल के बाद पड़ा है। ब्रह्मा की आयु मृत्यु लोक में 100 साल पूरा है तो ब्रह्मा मृत्यु लोक में खराब हो जाता है तो अमर लोक में आता है। तो पहले तो 76 में तो बाप की मृत्यु लोक खराब हुआ और अमर लोक में वो मनुष्य से रहा। और ये बताए एक ही लेख में जो दादा लेख रहा थे जो ब्रह्मा है अपनी ब्रह्म उनका 100 वर्ष पूरा हुआ है साल साल में 89 में ब्रह्मा दादा देवराज की आयु 100 साल पूरी होती है। तो वो अगर वो आत्मा भी पीपल के पत्ते पर गर्भ महल में दुख भोगती हुई आराम से दिखाई गई है, मृत्यु लोक का दुख भोगती हुई नहीं दिखाई गई है। पीपल के पत्ते पर गर्भ महल में प्रकृति आत्मा आत्मा रूपी अंगूठे को आराम से चूसते हुए दिखाई दे, कोई भी प्रकार का उसको दुख महसूस नहीं होता। लेकिन अभी तक उसका ये पकड़ नहीं है तो अपनी ज्ञान दाता उसका ज्ञान दाता भोलेनाथ ये पक्का नहीं हुआ था कब उसका अलग लोग में ऐसा कहें मीटिंग का कार्य चलेगा या नहीं चलेगा। जो शूटिंग का कार्य है वो चारों युगों की शूटिंग हर आत्मा को करनी है या नहीं करनी है। तो 89 में 81 वो है तत्व प्रधान स्थिति क्या बाद में हमेशा ऐसी स्टेज नहीं रह सकती। न राम की रहती है और न कृष्ण की रहती है। राम और कृष्ण दोनों ही आत्माओं की साक्ष के से का टाइम मुदा हुआ कृष्ण की आत्मा भी जब यज्ञोपवीत हो द्विजन्मा हो तब संपन्न बने संपूर्ण ब्राह्मण कहा जाए और बाप का विरुद्ध है कि बाप इस जलते हुए संसार में बच्चे को अकेला छोड़ करके नहीं जा सकता। कृष्ण बच्चे के साथ ही जाएगा वो बाप बाप नहीं है जो बच्चे को जला दे भस्म कर दे और खुद अपने को बचा ले। हर मनुष्य आत्मा को चार अवस्थाओं से पसार होना है और चारों युगों की सूची से पसार होना है। बाबा अपने बच्चों को असली बनकर वापस ले जाते हैं। जो बाबा अपने बच्चों को असली बनकर वापस ले जाते थे वापस ले जाते थे असली बनकर अंदाजी जी बनाकर वापस ले जाते थे उसका बच्चे जो है वो अपने को अभी शरीरी स्टेज में है समझते हैं अनुभव करते हैं या आत्मिक स्टेज में अनुभव करते हैं। आत्मिक स्टेज में अनुभव करते हैं बच्चे बच्चे जो भी ब्राह्मण बच्चे हैं वो अपने को सदैव आत्मिक स्टेज में अनुभव करते हैं या देह की स्टेज में अनुभव करते हैं। घड़ी घड़ी देह अभिमान आता है या घड़ी घड़ी आत्मा अभिमान में रहते देह अभिमान रहते तो देह अभिमान से परख करके पलटाए के आत्मा अभिमानी जब बनेंगे तो भूले जाने आत्मा अभिमानी नहीं बनेंगे तो सूक्ष्म मतलब में रहेंगे या इस दुनिया में रहेंगे। आत्मिक स्टेज का अनुभव करेंगे
तो स्वर्ग में अनुभव करेंगे, सुख में अनुभव करेंगे, भले इस सारी दुनिया में आग लगती रहे, कयामत बरपा होती रहे, दुखों के सहार देते रहे, तो भी जो बच्चे आत्मिक स्टेज में स्थित तो हो जाएंगे वो दुखों का ही अनुभव करेंगे, निराकारी निर्विकारी और निरहंकारी स्टेज का अनुभव करेंगे, बाप की गोद में ही अनुभव करेंगे। जैसे प्रहलाद को दिखाते हैं पहाड़ पर ले गए और वहां से नीचे डाल दिया, तो भगवान ने क्या दिया? गोद में ले लिया। रंजक मात्र भी दुख अनुभव नहीं कर सकते आपने किसी हुआ नहीं। साकार में ही हमको करना है ना आत्मा को, बहुत यहाँ रहते रहते वापस ले जाने वहाँ आत्मिक स्थिति में वो ही जाएंगे जो देह में रहते रहते ही इस दुनिया से जिनका ममत्व टूट जाएगा, ऐसे थोड़े ममता में जाके बैठ जाएंगे। तुम बच्चे परम धाम को इस सच्ची पर उतार लेंगे तो परम धाम जब इस सच्ची पर उतरेगा तो वहाँ आत्मिक स्टेज वाले होंगे या देवांग की स्टेज वाले होंगे? लेन देन का हिसाब किताब शुरू में नहीं होता है, लेन देन की हिसाब किताब हाँ, लेकिन ये ज्ञान जो है सच्ची ज्ञान वो प्रजापिता है ना, हमारे आत्मा के थ्रू प्रजापिता के थ्रू दे रहा है ना, देने वाला तो वो है ना, पर वो लेन देन की हिसाब किताब उसका नहीं होता, नहीं वाला काम क्या है प्रजापिता वाली आत्मा, प्रजापिता वाली आत्मा वर्तमान में ले अभिमान वाली है या आत्मा अभिमान वाली है? प्रजा प्रजापिता वाली आत्मा भी ले अभिमान में रहने वाली है, समोपधान है, तमो प्रधान कामी कांटे में ही सेवाता है, तो प्रधान में नहीं आता है, केवल ज्ञान देने वाला है, छू देता है, किसके छू देता है? प्रजा पिता ब्रह्मा दो आत्माएं हैं, राम कृष्ण वाली आत्माएं जिनके द्वारा देता है, तो राम और कृष्ण वाली दोनों ही आत्माएं स्त्री चोला है या पुरुष चोला है? पुरुष चोला है। कन्याओं माताओं के मुख से ज्ञान सुनाया जाता है, उसे कल्याण होता है, या पुरुषों के मुख से ज्ञान सुनाया जाता है उससे कल्याण होता है? अभी कल्याण तो नहीं हुआ, अभी कहे कि कल्याण हुआ, ब्राह्मण परिवार का अभी भी सामूहिक रूप में देखा जाए तो कल्याण दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो ज्ञान देने के निमित्त है, चाहे वो दादा लेखराज ब्रह्मा बना हो और चाहे वो प्रजापिता हो, ये दोनों ही रूप दुर्योधन दुशासन है,